ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हमले की सारी घटना घर च लगे CCTV कैमरे च कैद हो गई। इस वारदात संबंधी घर के मालक मुताबिक बीती रात एक औरत ने उन्हां दा दरवाजा खड़काया सी अते दरवाजा खोलन नूं कहा गया ते जदों उन्हां दरवाजा नहीं खोलिया तां उसनूं चंद मिंटां बाद ही 15 तों 20 अणपछाते व्यक्ति उन्हां दे घर ते इट्टां रोड़ियां नाल हमला कर दिंदे ने। इस दौरान उन्हां दे घर दे शीशे भी टुट गए अते होर काफ़ी नुकसान हो गया ते जदों उन्हां रोला पाया तां उह व्यक्ति मौके ते फरार हो गए। रात 10:30 बजे दे करीब मेरे घर दे विच कुछ अणपछाते बंदे, उत्थों पहलां एक लेडी जाई साडा दरवाजा खड़काया ते घर दा दरवाजा खोलण वास्ते आख्या कि तुहाडे गवांढ दे कोई जिहड़े आ उहनां नूं बुलाओ, असीं उहनां नाल गल करनी, साडी कोई लड़ाई हो गई ते तुसीं दरवाजा खोलो। असीं नहीं दरवाजा खोलिया। उस तो बाद कुछ सकिंटा के बाद पहला दो बंदे आए साढ़े घर के कोले, ते उस तो बाद फिर 15-16 होर आके ते इट्टां दीआं लगातार इट्टां मारनियां शुरू कर दित्तियां ते असीं फिर आपके बच्चों नूं लैके बड़ी मुश्किल दे नाल एक कोने दे विच बैठ गए। बड़ी देर तक वह इट्टां मारदे रहे ते उस तो बाद वह अपने मन मर्जी दे नाल गए ते उस तो बाद जदों वो चले गए उस तो बाद असीं जीरा थाना सिटी है जिहड़े उत्थे जाके रिपोर्ट कीती है। पुलिस वल्लों मौके ते पहुंच के जांच कीती जा रही है ते इस संबंधी जानकारी दिंदिआं थाना सिटी जीरा दे SHO मोहित धवन ने कहा कि मामले की जांच कीती जा रही है ते जो भी तथ्य सामने आउणगे उसे हिसाब नाल उहनां वल्लों बनदी कारवाई कीती जावेगी। जी इत्थे ना जगतार सिंह इंदर सिंह है, ये कलगीधर नगर इत्थे रहिंदे आ ते इन्हां दे कहिण मुताबिक है कि राती कुछ अणपछाते बंदे है जिहड़ी एक पहले लड़की आई उन्हें उत्थे बंदे बुलाए जिन्हां ने इट्टां इन्हां ते चलाईआं घर तों बाहर ही खड़े होके, एंट्री किसी भी नहीं हुई ते इट्टां चलाईआं ते इन्हां एक फायर चलाया ते उस संबंधी असीं आ गए हैं ते वेरीफाई कर रहे हैं ते जो बनदी कानूनी कार्रवाई करांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब TV।